स्वागत करती हूँ आपका केकेआर न्यूज में। मध्य प्रदेश में किसान कृषि कानून को लेकर कर रहे धरना प्रदर्शन, कृषि मंत्री कर रहे नर्मदा यात्रा। रायसेन जिले की उदयपुरा रात 12:30 बजे कृषि मंत्री कमल पटेल नर्मदा परिक्रमा यात्रा में जबलपुर जाते समय अल्प समय के लिए उदयपुरा रुके, जहां मीडिया से बात करते हुए कहा कि कृषि कानून बिल किसानों के हित में है और देश के प्रधानमंत्री जी ने इसे देश के किसान हित में बनाया है। कांग्रेस एवं अन्य पार्टियों के बहकावे में धरना प्रदर्शन कर रहे वो रायसेन जिले की उदयपुरा में जबलपुर के लिए सप्तनी कृषि मंत्री कमल पटेल नर्मदा परिक्रमा के दौरान 12:30 बजे निकले। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कमल पटेल का पुष्पहार एवं फूल वर्षा कर स्वागत किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए कमल पटेल ने कहा कि कृषि कानून बिल किसान हित में है, किसानों को इस कानून का विरोध नहीं करना चाहिए। किसान की स्वतंत्रता के लिए यह कानून देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाया गया। आज वही किसान कांग्रेसी एवं अन्य पार्टियों के बहकावे में आकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ ठीक नहीं है, विपक्ष किसानों को भ्रमित करके सिर्फ सरकार का विरोध कर रही है और अराजकता माहौल पैदा कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1000 करोड़ पैकेज किसानों को हित में दिया है। किसानों को सभी कृषि कार्यों के लिए लोन भी मिलेगा और MSP के द्वारा उनकी उपज का उचित मूल्य MRP के हिसाब से प्राप्त होगा। किसान देश का कहीं भी जाकर जहां से उचित मूल्य मिलता है अपनी उपज को बेच सकेगा। साथ ही कृषि मंत्री ने कहा कि MSP पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और ना ही MSP खत्म की जा रही है। रायसेन से संजय चौहान की रिपोर्ट। कृषि कानून बिल ये किसान की तकदीर और तस्वीर बदलने वाले हैं। अभी तक जो कानून थे अच्छा बताइए, आज तक आजाद भारत के बाद किसान की खेती घाटे का धंधा क्यों है? किसान कर्ज में क्यों है? किसान आत्महत्या क्यों करता है? क्योंकि कर्ज में। इसका मतलब है कि जो पुरानी व्यवस्था थी वो ठीक नहीं थी और इसलिए नई व्यवस्था लाए हैं कि किसान की फसल का उचित मूल्य मिले उसको। और इसलिए एक तो गांव और शहर मिलकर देश बना, गांव की प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू नहीं थी। मोदी जी ने स्वामित्व योजना ला कर 24 अप्रैल 2020 को गाँव को अब आज़ादी मिली 73 साल बाद। अब गांव की प्रॉपर्टी का, प्लाट का, मकान की कलेक्टर गाइडलाइन से वैल्यू होगी स्वामित्व योजना के बाद, तो उसको बैंक से ऋण मिलेगा, लिमिट मिलेगी, जमानत में काम आएगी। इससे वो वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट डाल सकेंगे। 1,00,000 करोड़ रुपया सिर्फ किसान के लिए मोदी जी ने रखा है, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट के लिए। उद्योगपति को अभी तक शहर के लोग को लोन मिलता था, सब्सिडी का फायदा वो उठाते, अब पहली बार आजाद भारत में किसान को 3% ब्याज की छूट, 40% उद्योग पर, 50% कोल्ड स्टोरेज पर, 33% महिला और पुरुष पर, 25% वेयर हाउस पर सब्सिडी मिलेगी किसानों को। उसके लिए 1,00,000 करोड़ रुपये सरकार ने दिया है। तो गांव-गांव में वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट डलेंगे तो किसान की फसल जो 1,00,000 की सड़ जाती है, सब्जियाँ वो नहीं सड़ेगी, अनाज सड़ता वो नहीं सड़ेगा, देश भी बचेगा। और किसान अभी न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिलता था, अभी चने का समर्थन मूल्य है 5100, लेकिन मंडी में बिक रही है 3400 से 4100, जबकि अभी चने की फसल आई नहीं है। चना सरसों का है 4650 रुपये, बिक रही है 4000 के अंदर, 3500-3000, और जैसी फसल आएगी और 1000 कम हो जाएगी, यानी 1000 से 2000 समर्थन मूल्य से कम बिकती थी। लेकिन अब इस बार हमने समर्थन मूल्य पर चना, सरसों, मसूर की खरीदी जो जून जुलाई में होती थी वो मार्च में कर रहे हैं 15 से। इससे किसान का समर्थन मूल्य पर, और 13 क्विंटल खरीदते थे सरसों तो हमने 20 किए, चना 15 खरीदते थे हमने 20 किया, उससे पूरी फसल समर्थन मूल्य पर आएगी तो मंडी में डिमांड बढ़ेगी, फसल नहीं रहेगी, किसान समर्थन मूल्य बेचेगा तो व्यापारियों को मजबूरी में समर्थन मूल्य से ऊपर लेना पड़ेगा, नहीं तो उनकी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएगी। और इसलिए किसान को इस बार हमारे एक निर्णय से, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने निर्णय लिया है, उसके कारण 8,000 करोड़ से 16,000 करोड़ का फायदा होगा। कैसे? 80,00,000 मेट्रिक टन चना, सरसों और मसूर होगी। 80,00,000 मेट्रिक टन यानी 8 करोड़ क्विंटल, अभी चल रहा है 3400 से 4100 और 2400 से 3500 होगा, यानी 1,000 से 2,500 रुपये कम। अगर 1,000 रुपये भी उसका फायदा मिला 8,000 करोड़, और अगर 2,000 का मिला तो 16,000 करोड़ किसान की जेब में जाएगा जो व्यापारी और बिचौलियों की जेब में जाता था। यह है सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन। और इसलिए ये तीनों कानून और स्वामित्व योजना मिलाकर गांव के किसानों को अब उनकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा। और फिर अपन कहते हैं MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य और व्यापारी को ये बटन भी है ना, ये MRP में सुई, MRP में धागा, MRP में गोली, बिस्किट, चॉकलेट, MRP में, किसान को MRP क्यों नहीं?
मोदी जी ने पहली बार ये व्यवस्था की है कि अब किसान को इतना सक्षम बना रहे हैं कि किसान भी न्यूनतम समर्थन मूल्य उच्चतम खुदरा मूल्य पे बेच सके, और इसलिए किसान को अब खाद भी दवाई के साथ साथ सिर्फ खाद भी दवाई बने, अब उसको फूड प्रोसेसिंग प्लांट के लिए ऋण मिलेगा, तो वो गेहूँ नहीं बेचेगा समर्थन मूल्य पे न्यूनतम पे, बल्कि वो मैदा और आटा बेचेगा MRP पे, बेसन बेचेगा MRP पे, आलू बेचता 10 रुपये किलो और आलू की चिप्स हम खरीदते 500 रुपये किलो, अब किसान खुद प्रोसेसिंग करेगा, आलू की चिप्स बना सकता है, उसको सब्सिडी मिलेगी, तो वो भी अब 250-500 कमाएगा, इससे किसान की आय 2x, 4x, 5x होगी, और 2022 तक जो लक्ष्य रखा है किसान की आय 2x करने का, हमारे एक निर्णय से मध्य प्रदेश में हम लोग मार्च में खरीदना शुरू करेंगे, अभी फसल आती है चने की गेहूं से पहले, लेकिन खरीदते 86% किसान 5 एकड़ से छोटा है, मात्र 14% किसान 5 एकड़ से ऊपर है, तो 86% किसान मजबूरी में बेच देता था औने पौने भाव, अब नहीं बेचेगा, उसको समर्थन मूल्य से ऊपर रेट मिलेगा, और यही किसान संगठन मांग करते, तो हमने तो मगर मांगे कर दिया। ये क्यों विरोध कर रहा है? स्थान है विरोध इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट और विपक्षी दल और कुछ तथाकथित संगठन ये नहीं चाहते कि देश मजबूत हो, ये नहीं चाहते कि किसान मजबूत हो, क्योंकि इन्होंने तो कुछ किया नहीं 60 साल में, अब मोदी जी कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि अगर मोदी जी ने सब कर दिया अगली बार चुनाव के अंदर इनका सफाया हो जाएगा, क्योंकि ये 425 थे तो आज 44 बचे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, हमारे साथ खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।